टीम इंडिया पहुंची मुंबई। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच के लिए टीम इंडिया मुंबई पहुंच गई। इस दौरान खिलाड़ियों को देखने के लिए प्रशंसकों की भारी भीड़ जुटी। भारत का सेमीफाइनल मैच बुधवार को न्यूजीलैंड के साथ मुंबई में होगा। ऐसे में कोचिंग स्टाफ ने मुंबई पहुंचते ही वानखेड़े की पिच भी देखी। वीरेंद्र सहवाग को आईसीसी से बड़ा दिवाली गिफ्ट मिला, उन्हें हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना इडुल्सी को भी इस लिस्ट में जगह मिली। इसके अलावा श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अरविंद डिसिल्वा को भी इसमें शामिल किया गया। दक्षिण अफ्रीकी टीम ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अभ्यास किया। गुरुवार को दूसरा सेमीफाइनल मैच दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। मंगलवार से जापान बैडमिंटन मास्टर्स ओपन की शुरुआत होगी। इसमें एचएस प्रणॉय, लक्ष्य सेन और प्रियांशु राजावत सिंगल्स में नजर आएंगे, जबकि पुरुषों के डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी टीम के बॉलिंग कोच मॉर्ने मार्कल ने इस्तीफा दे दिया। वर्ल्ड कप में उनकी टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था, इसी वजह से अब बाबर आजम की कप्तानी पर भी खतरा मंडरा रहा है। चर्चा है कि अगले हफ्ते पीसीबी अध्यक्ष से मुलाकात में उनकी कप्तानी पर फैसला होगा। पाकिस्तान को दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी जाना है।